हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईबीसी इंस्टीट्यूट। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे जो अभी सेशन चालू है ओनली ट्रिक्स नथिंग एल्स में। यहाँ पे हम जो भी एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं वो सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स से सॉल्व करने वाले हैं। मैंने ऐसे अच्छे शॉर्टकट्स आपके लिए यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं जो डिफरेंट वराइटीज ऑफ एग्जाम्पल्स में काम में आएंगे और बहुत सारा आपका टाइम बचाएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। आज के लिए जो हमारे टास्क है उन टास्क में मैंने एक स्पेशल चीज़ ऐड की है। अगर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर तो एक टाइमर दिखाई दे रहा है, वो टाइमर आपके लिए ऐड करके रखा है मैंने। यहाँ पे जो भी एग्जांपल मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो एग्जांपल पहले आप खुद ट्राई करके देखो। कुछ एग्जांपल्स के लिए छोटे एग्जांपल्स रहेंगे तो मैं 15 सेकंड्स दूंगा, उससे थोड़े बड़े रहेंगे तो 30 सेकंड होंगे, उससे थोड़े बड़े रहेंगे तो 50 सेकंड। तो हमें ये सभी एग्जांपल 15 से 50 सेकंड्स के अंदर ही खत्म करने हैं। इस तरह से ये एग्जांपल्स है और ये खत्म हो पाएंगे। देखते हैं कि आप कर पाते हो कि नहीं। अगर नहीं कर पाए तो डरने वाली कोई बात नहीं है, वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अलग अलग ट्रिक सीखोगे जिससे आप टाइम भी बचा पाओगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, राम बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 6,300 फ्रॉम सीता एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ही एडेड सम मनी इन इट एंड लेंट इट टू गीता एट 16% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। इन दिस प्रोसेस ही अर्ड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 618। देन फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही एडेड। एग्जाम्पल मैंने पढ़ लिया है, आपने सुन लिया है, आप पढ़ भी रहे थे तो और अच्छी बात है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप, ये हो गए आपके 30 सेकेंड। अगर आप कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं अभी बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी थी जिससे वो एग्जांपल 30 सेकेंड्स में हो पाता। यस, ये एग्जांपल 30 सेकेंड में हो पाता है गारंटी के साथ। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल को समझना है तो मैं एग्जाम्पल समझा के बताता हूँ। राम ने पैसे लिए थे सीता से, कितने? 6,300 रुपये। और क्या परसेंट से लिए थे? 14% से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और उसने वही पैसे में अपने खुद के कुछ पैसे डाल दिए और 16% पर एनम से गीता को दे दिया 3 साल के लिए। 3 साल के बाद राम को पैसे लौटाने किसको? सीता को। और गीता से वो लेके फिर सीता को लौटाने वाला है। तो यहाँ पे जो बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें राम का कुछ मुनाफा हो रहा है। क्या मुनाफा हो रहा है? कि अगर राम 6,300 सीता से 14% पर एनम से ले रहा है तो वो गीता को 16% पर एनम से दे रहा है। 2% का मुनाफा कमा रहा है एवरी ईयर। तो 3 साल के लिए कितना मुनाफा कमाएगा वो? वो 3 साल के लिए बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 6,300 पे। इसमें मैंने वो पैसे नहीं जोड़े जो उसने खुद ने डाले थे, मैं सिर्फ 6,300 की बात कर रहा हूँ कि इस पैसे पे उसने 2% एवरी ईयर फॉर 3 ईयर 6% का मुनाफा कमाया। तो 6% का मुनाफा मतलब कितना पैसा उसको एक्स्ट्रा का मिला है? तो ये मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि कितना मुनाफा एक्स्ट्रा का मिला है। तो ये मिला है 378 रुपीज का मुनाफा उसे एक्स्ट्रा का मिला है। एज वेल एज कुछ पैसे उसने भी तो डाले थे, उसका भी तो उसको पूरा हिस्सा मिलेगा, ठीक है? मतलब 16% मिलेगा, सिर्फ 2% नहीं। 2% तो वो एक्स्ट्रा मिल रहा था इसलिए 2% था, बट जो पैसे उसने खुद से डाले थे उसका तो पूरा हिस्सा वो लेके जाएगा। तो उसने कितना पैसा डाला था वो तो नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि उसने 16% पर एनम से अगले 3 सालों के लिए खुद का भी कुछ पैसा दिया था। तो 16 × 3 = 48% उसको मिलना चाहिए था। 48% किसका? 48% मिलना था उसको उस टोटल प्रिंसिपल का जो उसने डाला था। तो 48 मतलब हो गया टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, जो उसको उसके पैसे पे मिलना है। तो कितना इंटरेस्ट उसको उसके पैसे पे मिला है ये आपको 618 - 378 करके पता चल जाएगा। 618 क्या था? ये टोटल मुनाफा था और ये
वो जो 6300 है उस पे मिलने वाला ये मुनाफा था 378, इन दोनों की माइनस कर देते तो ये मिलेगा 240 रुपए। मतलब 240 रुपए ये मुनाफा उसने खुद के पैसे पे कमाया। तो 48 मतलब मैं क्या लिखूंगा, 240, तो मुझे क्या ढूंढना है, 100 मतलब कितना, तो ये हो जाएगा आपका 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा, तो एक्स का वैल्यू आएगा 500। मतलब आपका प्रिंसिपल था, मतलब जो एक्स्ट्रा के पैसे डाले गए थे वो थे 500 रुपए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए मैं क्या क्या कह रहा था, मैंने क्या क्या किया है। देखिए ये एग्जांपल कितने स्टेप्स में हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में तो आंसर ही मिल रहा है। फोर्थ स्टेप कहने वाली भी तो कोई बात नहीं है, 2-3 स्टेप में ये बात खत्म हो जाती है। और 30 सेकंड्स में ये एग्जांपल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये नहीं हो सकता। सो डोंट वरी, ये एग्जांपल्स होते हैं, बट आपकी स्ट्रैटर्जी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल ये आपके सामने, अ सर्टन सम ऑफ मनी बिकम डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको सिर्फ 15 सेकंड्स दूंगा, तो देखते हैं आप ये 15 सेकंड्स में कर पाते हो कि नहीं कर पाते हैं। ये एग्जांपल 15 सेकंड में होगा ये मैं प्रूव करके बताऊंगा, सबसे पहले आप ट्राई करिए। तो ये हो गया आपके लिए एग्जांपल और टाइमर हो गया स्टार्ट फॉर 15 सेकंड्स ओनली। टाइम अप, ये हो गया आपके 15 सेकंड और ये एग्जांपल 15 सेकंड में हो सकता है, ये मैं प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए अभी सबसे पहले करना क्या है, आपको अच्छे से एग्जांपल को समझना है। इन अ सर्टन सम, इफ अ सर्टन सम ऑफ मनी बिकम डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर, जो भी पैसे है वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। मतलब 1 रुपए का क्या मिलता है, 2 रुपया मिलता है। मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला आपको, 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला ना, 100 रुपए के 200 मिलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा कितने मिले, 100 तो खुद के आपके थे तो एक्स्ट्रा मिले 100 रुपए, वही है, मैं बस 1 रुपया में हिसाब कर रहा हूं। तो आपको 6 सालों में कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। और वो क्या चाहते हैं, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो वो चाहते हैं कि उस पैसे का 10 गुना होना चाहिए, मतलब 1 रुपए का 10 गुना होना चाहिए, मतलब 1 रुपए का 10 रुपए बनेगा, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, 9 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बस वही है कि 6 सालों में अगर 1 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है तो 9 रुपए एक्स्ट्रा मिलने के लिए कितने साल रुकना पड़ेगा, तो ये ढूंढ लेते हैं। बस करना क्या है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 9 जा 54, तो आपका आंसर आपके सामने है। 54 ईयर्स में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा और पैसा बन जाएगा 10 गुना। देखिए क्या था इसमें, 15 सेकंड में आंसर हो जाता है और आंसर्स मिलते हैं, बस आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। अगर आप अच्छे स्ट्रैटेजीज के साथ चलोगे तो एग्जाम्पल्स भी बहुत कम समय में सॉल्व होते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल ये आपके सामने, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है। इफ अ सर्टन सम ऑफ मनी एट सर्टन रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2100 इन 2 ईयर्स एंड डबल टू 50 इन 5 ईयर्स, देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल एंड रेट परसेंट पर एनम। तो एग्जांपल मैंने पढ़ दिया आपके लिए, आपने सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा, तो आपका टाइम स्टार्ट करते हैं अब, और इसके लिए होगा टाइम 20 सेकंड्स। एंड टाइम अप, ये हो गया आपके 20 सेकंड्स। आप कहोगे सर 20 सेकंड्स में कैसे, दो दो टारगेट देके रखे, एक प्रिंसिपल भी ढूंढना है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ढूंढना है, कैसे हो पाएगा। हो पाएगा भाई, आप देखो अच्छे से, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल पहले समझाता हूँ फिर करूँगा, लगे तो जब मैं सॉल्व करूँगा तब आपकी घड़ी का टाइमिंग लगाइए और देखिए 20 मिनट में खत्म होता है कि नहीं, 20 सेकंड्स में खत्म होता है कि नहीं, यस 20 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है अ सर्टन सम ऑफ मनी एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 2100 इन 2 ईयर्स, तो ये 2 साल में कितना पैसा हो रहा है उसका, 2100 रुपए, और वही पैसा अगर 5 साल के लिए रखेगा तो 2250, पैसा तो वही है, अगर 2 साल के लिए रखोगे तो 2100 मिलेंगे, 5 साल के लिए वही पैसा रखोगे तो 2250। क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि भाई 3 साल का डिफरेंस,
यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि 2 साल और 5 साल में डिफरेंस कितना है, 3 साल का। और यहाँ पे अमाउंट के बीच का डिफरेंस मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, दो अमाउंट के बीच का डिफरेंस मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 150 का। तो 150 का डिफरेंस मुझे 3 सालों में मिल रहा है, ये इनका बीच का डिफरेंस 3 साल और ये इनके बीच का डिफरेंस था 150। तो 150 ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है 3 साल में, तो 1 साल में कितने पैसे मिल रहे थे मुझे, 50 रुपए। ये याद रखिए कि 1 साल में 50 रुपए मुझे मिल रहे थे। अब ये 50 रुपए अगर मुझे 1 साल में मिल रहे थे तो मुझे 2 साल में कितने पैसे मिलेंगे, 2 साल में 100 रुपए मिलेंगे। तो अगर ये मेरा क्या था, याद है आपको, अमाउंट है, जहां पे भी बिकम ये वर्ड होगा वो अमाउंट को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये 2100 ये अमाउंट था, इस अमाउंट में से अगर मैं जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर दूं, इंटरेस्ट कितना है, 1 साल का 50 तो 2 साल का 100 रुपए, इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके लिए, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना मिलेगा मुझे, 2000 रुपए। तो मुझे ये पता चल चुका है कि प्रिंसिपल, देखो एक टारगेट कंप्लीट हो गया आपका, और देखो नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, कुछ नहीं, 2 स्टेप में खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो मिल गया, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है ना, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे प्रिंसिपल मिल गया 2000 रुपए, और 2000 पे 1 साल में कितना पैसा मिलने वाला था आपको, 2000 पे आपको 50 रुपए 1 साल में मिलने वाला था। तो 2000 पे 50 रुपए मिलेगा 1 साल में, और वही अगर परसेंटेज में ढूंढो तो उसे ही तो रेट ऑफ परसेंट कहा जाता है। तो ये जीरो जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 2.5। ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया 2.5%। प्रिंसिपल इज 2000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.5। देखो एग्जाम्पल कुछ बड़ा है तो इसके लिए 20 सेकेंड्स काफी थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर टाइम डिसाइड करेंगे इसके लिए। इफ अ सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टन टाइम, इट अमाउंट्स टू 350 एट 5% पर एनम एंड इट अमाउंट्स टू रुपीज 250 एट 3% पर एनम, देन फाइंड द टाइम एंड प्रिंसिपल। देखो वो पहला जो एग्जाम्पल था ना, बस वैसा ही एग्जाम्पल है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं। तो यहाँ पे इसके लिए भी आप अगर टाइम ले लेते हो 20 सेकेंड्स तो काफ़ी है, मैं आपको करके बताता हूँ 20 सेकेंड्स में ये एग्जाम्पल आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपका ट्राई कर लेते हैं, तो आपके 20 सेकेंड्स स्टार्ट होते हैं अब से। और ये हो गया आपका टाइम अप। देखिए ये क्वेश्चन में 20 सेकेंड्स में कैसे करके बताता हूं। यहां पे सीधी सी बात है, मैं आपको पहले करके बताता हूं, आपको समझ में तो आना चाहिए कि ये सिर्फ बात ही करता है कि खुद भी कर सकता है 20 सेकेंड्स में। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं कि ये 20 सेकेंड्स में कैसे हो सकता है। देखो यहां पे ये आ गया मेरा पेन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 2t इज इक्वल्स टू 100। तो मुझे ढूंढना है टी मीन्स वॉट। तो यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। तो ये टाइम मिलेगा मुझे 50, तो 50 सालों में तो ये हो गया 100। ये आंसर मिल गया। देखो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट मैं वापस एक बार बता देता हूँ, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो देखिए करना क्या था एक्चुअली, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको। ये तो पता होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर, इनका मल्टीप्लाई करके ही आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एक्चुअली इंटरेस्ट का परसेंटेज मिलता है, परसेंटेज इंटरेस्ट। परसेंटेज इंटरेस्ट ढूंढने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर करिए। जैसे कि अगर मैं आपको 10% पर एनम से ब्याज दे रहा हूँ, ठीक है, तो 1 साल का ब्याज 10% हो गया, तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 20%। तो प्रिंसिपल का 20% मेरे को देना पड़ेगा, मतलब 20% ही क्या हो गया मेरे लिए, ब्याज हो गया। वही तो कह रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर का मल्टीप्लाई मतलब ही इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर पैसे 5% पर एनम से देते हो तो कितना देना पड़ता है, 350। अगर 3% पर एनम से देते हो तो कितना देना पड़ता है, 250। इन दो परसेंटेज में गैप कितने का आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, 2% का। तो 2 इंटू टी, टू मतलब क्या था मेरे लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट
एंड टी मतलब था नंबर ऑफ ईयर, जो टाइम है, मुझे नहीं पता कितने टाइम में, क्योंकि टाइम तो देके नहीं रखा ना उन्होंने। तो यहाँ पे टू इंटू टी करने के बाद क्या मिला है मुझे, इंटरेस्ट परसेंटेज मिला है, और इंटरेस्ट परसेंटेज मिला है और मुझे इंटरेस्ट भी पता चल चुका है कितना है वो। सो मैंने कहा था आपको याद रखने के लिए कि दो अमाउंट्स के बीच का डिफरेंस हमेशा इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट क्या था, 350, और दूसरा अमाउंट क्या है, 250। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 100 रुपए, और यही होगा इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। और जो पीरियड मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने उसको क्या कंसिडर किया है, टी कंसिडर किया है। तो अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर देता हूं तो 2 वन 250, तो मुझे टी की वैल्यू मिल गई। देखो टी की वैल्यू क्या मिल गई, 50। मतलब मेरा ड्यूरेशन था 50 साल, और ये 50 साल अगर बात करें तो ये 50 साल की बात इसी में डाल देते हैं ये वैल्यू। तो ये 2 इंटू टी, टी का वैल्यू क्या था, 50। तो 2 इंटू टी मतलब ये हो गया टोटल इंटरेस्ट परसेंट, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज कितना है, 100। तो इसमें आपको कितना पैसा मिलने वाला था, 100 रुपए। तो 100% मतलब ही अगर मेरे लिए 100 होगा तो मुझे वही वैल्यू तो मिल गई है, क्योंकि 100% ही आपका ओरिजिनल वैल्यू रहता है, और ओरिजिनल वैल्यू कितना है फिर यहाँ पे मेरा, 100 रुपीज। तो प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज, एंड टाइम ड्यूरेशन कितना था, 50 साल। होपफुली अभी आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, तो यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लूँ फिर आपको सॉल्व करने के लिए बोल देता हूँ। इफ अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स 10,000 इन 5 ईयर एंड 10,800 इन 7 ईयर एट अ सर्टन रेट ऑफ परसेंट, देन फाइंड द रेट परसेंट। तो देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे ये प्रीवियस एग्जाम्पल की जैसा ही है, तो मेरे ख्याल से 20 सेकेंड वापस एक बार काफ़ी हो जाएगा। तो ये टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए, 20 सेकेंड का, स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। तो देखिए 20 सेकेंड आपका टाइम हो गया है, और ये एग्जाम्पल मैं अभी करके बताता हूँ। ये एग्जाम्पल के लिए चलो ज़्यादा लिखते ही नहीं है, एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत जो लिख के दे रहा हूँ ना वो भी आपके लिए लिख के दे रहा हूँ, नहीं तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं होती। देखो 5 साल में कितना पैसा मिल रहा है, 10,000, और अगर 7 साल के लिए पैसा रखोगे तो कितना मिलेगा, 10,800। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 800 रुपये का। और 800 रुपये का जो डिफरेंस है वो कितने साल के लिए है, देखो वो 800 रुपये का जो डिफरेंस है वो 2 साल के लिए। तो अगर 2 साल में 800 रुपये मिल रहे, तो 1 साल में कितना मिल रहा है आपको, 400 रुपये। गेटिंग, अगर 1 साल में 400 रुपये मिल रहा है तो 5 साल में कितने मिल रहे हैं आपको, 5 साल में 2,000 रुपये मिल रहे। तो ये 2,000 मतलब क्या है, आपका इंटरेस्ट है, 5 साल में मिलने वाला पैसा इंटरेस्ट है, ये आपका इंटरेस्ट है। और ये जो 10,000 दे के रखा है वो बताइए मुझे क्या है, वो जो 10,000 दे के रखा है वो अमाउंट्स कहा गया है, अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, अमाउंट्स टू या फिर अमाउंट्स मतलब वो बनता है, बनता मतलब बिकम, बिकम मतलब हमेशा अमाउंट होगा। तो अमाउंट क्या है, ये 10,000 रुपीज है। तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ही तो होता है, तो इन दोनों की कर दो माइनस, ये मिल गया आपको प्रिंसिपल, हो गई बात खत्म, प्रिंसिपल मिल गया। दूसरी चीज एक्चुअली हमें रेट ऑफ परसेंट ढूंढना है, बट कोई बड़ी बात तो है नहीं। 8,000 रुपये आपको क्या मिला है बताओ, 8,000 रुपये प्रिंसिपल मिला है, और आपको 1 साल में कितना पैसा मिलने वाला था ये ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं हम, 400 रुपये। और आपको करना क्या है, ये 400 रुपये, और आपको करना क्या है, आंसर परसेंटेज में देना है, यही तो रेट ऑफ परसेंटेज होता है। तो ये जीरोस, ये जीरोस, और ये एक जीरो, एक जीरो, सो आंसर मिल गया आपको 5%। देखिए कितना सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है आपको हमेशा एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, अ मैन इन्वेस्ट अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹80,000 इन 3 बैंक्स ए बी सी एट 15%, 16% एंड 27%। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए इज 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक सी, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी इफ अर्नड If he earned a total profit of 36,400 at simple interest in 2 year,
तो एग्जाम्पल मैंने पढ़ के बताया, आपने भी पढ़ा होगा। तो इस एग्जाम्पल के लिए थोड़ा बड़ा है तो मैं दे देता हूँ 40 सेकेंड, काफ़ी है 40 सेकेंड। हाँ 40 सेकेंड में ये एग्जाम्पल हो पाएगा। तो ये आपका 40 सेकेंड का टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड टाइम अप, ये हो गया आपके 40 सेकंड खत्म। और बढ़ते हैं अभी एग्जांपल की तरफ। अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये सच्ची में 40 मिनट में हो सकता है नहीं हो सकता है, कमेंट में मुझे बताइए। ये मैं वापस एक वीडियो बना के आपके लिए ये सभी एग्जांपल्स जो टाइमिंग्स में मेंशन कर रहा हूँ उसमें विद कैलकुलेशन सब कुछ करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 40 सेकंड में होता है, बस मैं ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टाइमिंग्स में दे रहा हूँ दे आर द फेयर टाइम्स, बिल्कुल फेयर टाइम्स है। बिल्कुल भी इसमें आप नहीं कह सकते कि बहुत कम टाइम दिया जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम है मेरे अंदाजे से कि इतने टाइम में हो पाएगा, तो मैं आपको वो टाइम दे रहा हूँ, बस आपको करना है वो, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करना क्या था। यहाँ पे उस आदमी ने टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 80,000। मेरा तरीका बहुत अलग है, यह बेसिक वाले मेथड से बिल्कुल है ही नहीं। मेरा तरीका ये थोड़ा अलग होगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, और बहुत बार हम ऐसे तरीके कभी सोचते नहीं या फिर कभी दिमाग में आता ही नहीं है। वो तरीके मैं थोड़े डेवलप करके आपको बता रहा हूँ, जो करके आपका टाइम बचे, कैलकुलेशन बचे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बचे। क्योंकि कैलकुलेशन जितना ज़्यादा करोगे उतना प्रेशर आएगा, और प्रेशर में क्या हो जाता है ना कि जो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से वो भी डिफिकल्ट लगने लगता है, छोटे छोटे कैलकुलेशन वो भी हम गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। सो माइंड को एक स्टेबल रखने के लिए मैंने ये तरीके थोड़े डेवलप किए हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि 80,000 रुपये थे, तीन बैंक में पैसे रखे थे, ए बी एंड सी, और वो रेट ऑफ परसेंट था 15%, 16% एंड 27%। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए इज 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक सी। ये महत्वपूर्ण थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि जो ए बैंक में जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, तो जो ए बैंक का पैसा है वो 20% ही होगा किसके, सी के। तो सी को अगर मैंने 100 मान लिया तो ए क्या होगा बाय डिफॉल्ट 20। तो इनका रेशो मिल गया मुझे, ये मिल गया 1:5। तो जो पैसा रखा है वो 1:5 इस रेशो में रखा है, ठीक है। देन आगे उन्होंने क्या कहा है देखो, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी इफ ही अर्न्ड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 36,400। एक चीज रह गई है मेरे ख्याल से, हाँ एक चीज़ रह गई थी, नहीं कुछ रहा नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट भी देके रखा है कि टोटल इंटरेस्ट उसको इतना मिला है, ए और सी का इन्फॉर्मेशन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ये जो भी पता था वो लिखा है मैंने, ठीक है। तो अभी एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए मेरे तरीके से। तो यहाँ पे ए एंड सी का रेट ऑफ परसेंट कितना है, ए का 15% है और सी का क्या परसेंट बता के रखा है, 27% सी का बता के रखा है। मैं यहाँ पे एलिगेशन मिक्सर वाला रूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एलिगेशन मिक्सर में आपको पता ही है कि क्रॉस मीन की माइनस करनी पड़ती है, बीच में एक वैल्यू होती है जो मुझे अभी नहीं पता, बट मैं ढूंढने का एक इतना सही तरीका बताऊंगा कि आपने कभी ना देखा होगा ना ही ऐसे कभी सोचा होगा, इतना भारी तरीका है। तो देखिए इनका जो अमाउंट है वो 1:5 है, ये तो पता ही होगा आपको कि जो अमाउंट नीचे जो मिलता है वो क्वांटिटी रहता है, और पैसे के हिसाब से वो अमाउंट भी कहा जा सकता है। तो 1:5 ये रेशो आने वाला है। तो यहाँ पे ये बीच की वैल्यू क्या होगी ना, ये हम सोच रहे हैं कि ये बीच की वैल्यू क्या होगी। अभी मेरा तरीका देखिए, 27 और 15 इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस है 12 का, ठीक है। तो यस 12 का ही डिफरेंस है ना, यस 12 का ही डिफरेंस है। तो 12 ये जो डिफरेंस है इसको क्या करूंगा मैं, 5+1, ये जो 5 है ये जो 1 है, 5+1 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे मिला एक यूनिट का वैल्यू, कितना मिला है वो 2। अभी ये 2 से मैं हर एक यहाँ पे जो रेशो मिला है मुझे उस रेशो वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 1 2 हो गया एंड 5 2 कितना हो गया, 10। अभी क्रॉस में जो भी ऑपरेशन है, क्रॉस में क्या करना पड़ता है, माइनस। तो 15 माइनस ये वैल्यू जो बीच में है यहाँ पे,
15 माइनस ये वैल्यू आंसर 10 आना चाहिए एंड 27 माइनस वही वैल्यू आंसर 2 आना चाहिए। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है 25 माइनस 15, अगर ये 25 माइनस 15 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 10 आएगा एंड यहाँ पे 27 माइनस 25 करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसको कहते हैं मीन वैल्यू ढूंढना। ये बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे इन्वेंट किया गया है, ठीक है। तो देखिए मुझे यहाँ पे ए एंड सी का मीन वैल्यू मिल गया है, कितना है वो 25, याद रखिए जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीजर अलग अलग है बट एग्जाम्पल सिंपल है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी कम है, ठीक है। आप देखोगे आगे जाके रियलाइज होगा आपको। अभी आपको बी के लिए ढूंढना है ना, तो बी को सेपरेट करते हैं और ए और सी को सेपरेट कर देते हैं, तो बी का हिस्सा कितना है एंड ए एंड सी का हिस्सा कितना है। देखिए अभी मेरा स्ट्रैटर्जी थोड़ा अलग है, यहाँ पे बी का रेट ऑफ परसेंट पता है 16 है और ए एंड सी का टोटल रेट ऑफ परसेंट का मीन वैल्यू ढूंढा है मैंने, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, 15-27 उसका मीन वैल्यू लिखा है मैंने 25, बट ये 25 को कैसे लिखने जा रहा हूँ, देखो 16 प्लस 9, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना वो आगे एज इट इज कंटिन्यू करिए, ये जो वैल्यू है वो एज इट इज आगे कंटिन्यू करिए, प्लस उसमें कितना जोड़ना बाकी है वो प्लस करके लिख दीजिए, क्योंकि ए एन सी का वैल्यू कितना था मेरे लिए 25, ये देखिए यहाँ पे 25 जो हमने ढूंढा है उसका मीन वैल्यू। तो बी का वैल्यू तो 16 है कन्फर्म, बट ए एन सी का क्या है 16 प्लस 9 मतलब 25 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो मेरा प्रिंसिपल था 80,000 उसका क्या कर लेते हैं 16% ढूंढ लेते, तो इसका 16% ढूंढना है मुझे, तो ये आएगा आपका 16 × 8 इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको 128,000, 128,000, यस। तो ये मिल गया मुझे 16% का वैल्यू। अभी बचा क्या है मेरे पास 9%। अभी देखो 16% पर एनम था, एक साल का हिसाब में क्या पैसा मिलना था मुझे 12,800, मुझे यहाँ पे देखो दो साल में कितने पैसे मिलने थे 36,400, दो साल में मिलने वाले थे, तो अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँ तो एक साल का पैसा मिलेगा, वो एक साल का पैसा देखिए मुझे क्या मिल रहा है 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 एंड 0 तो 18,200 मुझे एक साल में मिलना है टोटल इंटरेस्ट, उसमें से मैं 16% का हिस्सा अगर माइनस कर दूँ तो मेरा क्या हिस्सा बाकी रहेगा, सिर्फ 9% वाला हिस्सा बाकी रह जाएगा ढूंढना। तो मैं क्या करता हूँ 16% वाला हिस्सा मैं माइनस कर ही देता हूँ, तो यहाँ पे ये 12,800 में माइनस कर रहा हूँ, मतलब मैंने 16% वाला हिस्सा माइनस कर दिया है, तो ये 0, ये 0, ये 5,4, तो मुझे मिला 5,400, ये क्या मिला है मुझे 9% वाला हिस्सा मिला है, ठीक है। तो 9% वाला हिस्सा मतलब मैं लिखूंगा कि 9 मतलब ही क्या है मेरे लिए, 9 मतलब है 5,400, बात समझ में आ रही है, 9 मतलब क्या है 5,400। तो अभी मैं क्या ढूंढने जा रहा हूँ 16 मतलब क्या, क्योंकि बी का वैल्यू तो 16 है ना, मुझे 16 एक्चुअली ढूंढना कुछ अलग है, बट बी का अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16 है, तो मैं 16 ढूंढूंगा पहले, तो 16 मतलब क्या है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा ये हो जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे 9,600, यस मुझे आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे 9,600, तो यहाँ पे 9 मतलब ये मिल गया मुझे, तो 16 मतलब 9,600 मिल गया है। तो देखिए यहाँ पे 16 का मतलब मुझे 9,600 मिला है, तो अगर 16 मतलब 9,600 है, मतलब ये बी का जो रेट ऑफ परसेंट है वो 16%, 16% मतलब 9,600, तो मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है 100 मतलब कितना, 100 मतलब बी का प्रिंसिपल, क्योंकि उसका रेट ऑफ परसेंट ढूंढा है मैंने सिर्फ, जो इंटरेस्ट से मिलने वाला था, जो कितना है 9,600 इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मैं 16 का 100 ढूंढ लेता हूँ, मतलब क्या ढूंढ लेता हूँ 16 बी के लिए प्रिंसिपल ढूंढ लेता हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा 16,600, तो ये 00, तो मुझे मिल गया 60,000। तो मुझे देखो यहाँ पे किसका वैल्यू मिला है मुझे, बी का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है, एक मिनट ना, ये बी का वैल्यू नहीं था, ये 9% के लिए हम कर रहे थे ना, 9 मतलब इतना, तो ये 16 मतलब कितना, तो ये मुझे ए एन सी का टोटल वैल्यू मिला है, ए एन सी का टोटल वैल्यू मिला है जो कितना है 60,000। अगर ए एन सी का मुझे टोटल वैल्यू 60,000 मिला है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बी के लिए वैल्यू ढूंढना है, तो अगर 80,000 रुपये टोटल मेरा पैसा था उसमें से ए एन सी का शेयर कितना है, ए एन सी का शेयर अगर 60,000 है तो मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है बी का वैल्यू जो बचा हुआ है, तो वो कितना आएगा 20,000 रुपीज़। देखिए समझ में आ रहा है आपको,
नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा अलग सा प्रोसीजर था, मैंने थोड़े हटके तरीके से थोड़ा बताने की कोशिश की है, तो यहाँ पे इतना भी कुछ नहीं है। बड़ा एग्जांपल मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि कैसे करना है, क्योंकि ये प्रोसेस ही आपके लिए नया है। ठीक है, थोड़े मॉडिफिकेशंस करके मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि करना क्या है, अभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। वापस एक बार देखते हैं, मुझे ए एंड सी का देखो, यहाँ पे ए का 20%, ए का मुझे मिलने वाला था 20%, ए का मिलने वाला था 20% दैट ऑफ सी। तो ए एंड सी यहाँ पे ये 20 एंड ये 100 कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ए का वैल्यू क्या बोला गया है 20% दैट ऑफ सी, तो ये 21 जा 25 जा, तो रेशियो मिला मुझे 1:5। देन मुझे उनके रेट ऑफ परसेंट पता थे, ए का था 15 और बी का था 27। देन मुझे इनका एलिगेशन मिक्सचर वाला तरीका यूज करके मुझे क्या करना है, इनका मीन वैल्यू ढूंढना है, मीन वैल्यू जो मैं आगे यूज करूंगा। तो यहाँ पे ये मीन वैल्यू क्या है ये तो नहीं पता मुझे, बट इनका आगे जाके रेशियो क्या बनने वाला है वो पता है, 1:5। ये क्वांटिटी का रेशियो रहता है जो डिनोमिनेटर में आता है। ये अगर आपको पता नहीं है तो एलिगेशन मिक्सचर के लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे 1:5 ये रेशियो आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस देखो इन दोनों के बीच में, मतलब जो 15 है और जो 27 है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का। 12 के डिफरेंस को मुझे क्या करना है, 1:5 मतलब 6 से डिवाइड कर देना है। तो कितना बन जाएगा वो, 12 को अगर मैं डिवाइड करूँ 6 से तो वैल्यू मिल जाएगा मुझे 2, और ये 2 से अगर मैं इस 1 को डिवाइड करूँ तो 2 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो क्रॉस होने के बाद, क्रॉस माइनस होने के बाद, मतलब 15 में से वो नंबर माइनस होने के बाद 10 बचेगा और 27 में से वो नंबर माइनस होने के बाद 2 मिलेगा, वो नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है जो मुझे मिलता है फिर 25। बात समझ में आ रही है अभी, कि 25 वो बीच वाला नंबर मुझे मिल जाता है। चलो मान लेते कि मुझे बीच वाला नंबर यहाँ पे मिल गया 25। अभी वो ए एंड सी का जो अलग अलग वैल्यूज थे उनकी जगह पे मैं एक की वैल्यू यूज कर सकता हूँ जो क्या है मेरे लिए 25 है। देन आगे बात करते हैं कि मुझे वैल्यू ढूंढनी है बी की, ठीक है, एंड बी एंड ए सी को कंबाइन कर लेते हैं हम, क्योंकि ए सी को डिफरेंट, मुझे बी का वैल्यू ढूंढना है तो बी को सेपरेट लेना पड़ेगा, बाकी सब एक इसमें आएंगे। तो बी का परसेंटेज पता है मुझे 16%, बट ए सी का क्या है 25 है, बट मैं लिखूंगा कैसे, मेरे को प्रोसेस सिंपल बनानी है। तो मुझे क्या करना है, ये 25 को 16+9 लिख देता हूं मैं, तो ये 16 16, ठीक है, ये काम में आएगा, कैलकुलेशन मेरा बचने वाला है इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूं, +9। तो यहां पे ये जो 16% मिलने वाले, देखिए ये 16% मिलने वाले, ये 16% किसके मिलने वाले, मुझे 80,000 के। तो ये जो 80,000 है उसका मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 16% ढूंढ लेता हूं। तो इसका 16% आया था मेरा, कर लेते वापस एक बार, 12800। तो ये 16% आया था मेरा, और अभी क्या करना है मुझे, ये जो एक हिस्सा है, मतलब जो इंटरेस्ट का एक हिस्सा है वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। टोटल हिस्सा कितना था इंटरेस्ट का, 36,400, ये 2 साल के लिए था, तो 1 साल के लिए कितना होगा, डिवाइड बाय 2 करो तो 1 साल के लिए मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 2 1 2, इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, एंड ये 00, ये हो गया 1 साल का टोटल इंटरेस्ट। उसमें से मुझे एक हिस्सा मिल चुका है, कितना, 16% का एक हिस्सा मिल चुका है, जो कितना है 12,800, ये एक हिस्सा मिल चुका है। तो मतलब मेरे पास कितना बचा, 540 रुपये बचा, जो कौन देगा मुझे, बचा हुआ हिस्सा देगा, मतलब 9% देगा। तो मुझे पता है कि 9% ही मेरा क्या है, 540 है, 9% अगर मेरा 540 होगा तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं 100% ढूंढ लेता हूँ। 100% मतलब क्या होगा, पूरा एसी का वैल्यू, ठीक है। तो 100% मतलब क्या है देखते हैं, 100% मतलब होगा आपका 60,000, ठीक है। तो ये अभी एक्स का वैल्यू आया 60,000, ये एक्स मतलब क्या एक्चुअली आपके लिए, ए एंड सी का कंबाइन वैल्यू। तो ए एंड सी ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 60,000, टोटल इन्वेस्टमेंट था कितना, 80,000, 80,000 में से 60,000 ए एंड सी ने किया है, तो बी ने कितना किया है, फिर बी ने किया है 20,000। देखो मैं थोड़ा तरीका चेंज करके यहाँ पे बता रहा हूँ, तो थोड़ा ईजी लग जाता है, सोचने का तरीका है, जैसे आप सोचोगे उतना एग्जाम्पल सिंपल होता रहेगा। ये एग्जाम्पल आप ट्रेडिशनल मेथड से करके देखो, या फिर किसी बुक में, या फिर देखिए आप जहाँ पे से भी आपको ये सोर्सेस मिलते हैं वहाँ से ट्राई करके देखिए, आपको बहुत लंबा मेथड मिलने वाला है। ये मेथड बहुत सिंपल है, लगे तो मैं ऐसा और एक एग्जाम्पल आपके लिए लेके देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा। ये नया मेथड है तो दिमाग में
इतना आसानी से नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम तो लेगा ही, बट समझने की कोशिश करिए, हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखिए सेम वैरायटी का एग्जांपल है, बस वैसा ही है, ठीक है। अभी वापस एक बार मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के सब कुछ अच्छे से बता देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, तो यहाँ पे पूरा एग्जांपल वापस एक बार पढ़ूंगा तो टाइम पास हो जाएगा, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मेन मेन चीज़ है, जैसे कि उन्होंने कहा है, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए वॉज 71 2 बाय 7, 71 2 बाय 7 मतलब क्या होता है आपका 500 डिवाइड बाय 7, मिक्स फ्रैक्शन था, मैंने इसको फ्रैक्शन में डिवाइड किया है, 500 डिवाइड बाय 700 परसेंटेज था, इसलिए डिवाइड बाय 100 तो आएगा। तो ये ए इज 500 डिवाइड बाय 700 दैट ऑफ अमाउंट इन बैंक सी, तो ये सी है, ठीक है। तो ए एंड सी का मिल गया मुझे रेशियो, ए एंड सी का रेशियो क्या मिल गया, ए इज टू सी इज इक्वल टू क्या होगा 5:7, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था। क्या करना पड़ेगा मुझे, ए का वैल्यू कितना है 12 एंड सी का वैल्यू कितना है 18, और बीच का वैल्यू मतलब मुझे क्या करना है, इनका मीन ढूंढना है, तो क्रॉस मीन की माइनस करनी पड़ती है, यहाँ का वैल्यू नहीं पता तो वो ढूंढना पड़ता है, बट ये नीचे का रेशियो पता चल चुका है, इससे हेल्प मिलने वाली है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, देखिए 12 और 18 में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 6 का, तो 6 मतलब क्या होगा मेरे लिए 12, 6 डिवाइड बाय 12, 12 कहाँ से आया 5 प्लस 7 12 होता है, तो यहाँ पे 6 1 जा 6 2 जा, तो मुझे 0.5 कह लीजिए या फिर हाफ कह लीजिए, मुझे एक यूनिट की वैल्यू मिली है हाफ, ठीक है, इसका आंसर मिला है मुझे हाफ। एक यूनिट की वैल्यू हाफ है तो 5 यूनिट की कितनी होगी 2.5, 7 यूनिट की कितनी होगी 3.5, ठीक है। तो मैंने ये हाफ वैल्यू इस रेशियो में डाल दी 5 एंड 7, तो मुझे अभी कोई नंबर ऐसा ढूंढना है जो मैं यहाँ पे डालूंगा और जिससे क्रॉस में जब माइनस करेंगे, जैसे कि उस नंबर में से अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो 3.5 आएगा, या फिर उस नंबर में से मैं 18 माइनस करूंगा तो 2.5 आएगा, वो नंबर मुझे ढूंढना है। तो वो नंबर आएगा मेरे ख्याल से 15.5 आएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, हाँ 15.5 आ रहा है, तो मुझे मिल गया यहाँ पे 15.5, देखिए तो मुझे बीच वाला नंबर मिल गया 15.5। अभी ये नंबर मैं एसी की जगह पे यूज़ करूंगा, बी का वैल्यू एंड एसी का वैल्यू ऐसे अलग अलग रखेंगे, बी का वैल्यू ऑलरेडी 16 दे के रखा है और एसी का वैल्यू अभी मैंने ढूंढा है 15.5। इसको कैसे लिखना था मैंने बताया था, ये एज इट इज मत लिखिए कभी, इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, जो छोटा वैल्यू है उसको रखिए 15.5, और ये वैल्यू को 15.5 प्लस 0.5, 15.5 दोनों इसमें कॉमन दिखाई देना चाहिए, ये 0.5 है ना, ये काम में आता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे जो प्रिंसिपल दिया गया है कितना 65,000, उसका क्या करूंगा 15.5% ढूंढ लेता हूँ, 155 डिवाइड बाय मैं 1000 लिख देता हूँ, मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो डाल दो, मतलब थोड़ा काम आसान कर दिया। फिर इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई और देखते हैं इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है। मुझे करना होगा, हाँ तो ये मिल गया मुझे 10075, ठीक है। एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लीजिए, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ हो, वैसे होगी तो नहीं, बट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे मुझे एक हिस्सा मिल गया जो कितना है 15.5% का हिस्सा है, 15.5% का हिस्सा कितना मिल गया मुझे 10075। टोटल हिस्सा कितना था मेरा, टोटल हिस्सा था 10,180, और लकीली ये एक साल के लिए, दो साल के लिए होता तो डिवाइड बाय टू करना पड़ता, मुझे एक साल का हिसाब करना है क्योंकि ये 15.5 जो भी हम परसेंटेज देख रहे हैं वो साल भर का हिसाब है। तो मुझे क्या करना है, 10180 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे 10075 को, तो इन दोनों की माइनस कर देते हैं और देखते हैं कि कितना आंसर आता है, ये आता है 105। तो मुझे क्या मिला है, मुझे यहाँ पे मिला है वैल्यू इस 0.5% का, देखो 105, ये मतलब क्या था, देखो टोटल इंटरेस्ट में से मैंने 15.5 का हिस्सा हटा दिया तो बचा किसका हिस्सा,
0.5 का हिस्सा बचा है, तो ये 0.5 मतलब ही क्या होगा मेरे लिए 10 105, यस 0.5 मतलब भी क्या होगा 105 होगा मेरे लिए, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे मैं क्या ढूंढ लेता हूं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, बी का हिस्सा ढूंढना है ना, तो बी का हिस्सा मतलब मैं 16 ढूंढ लेता हूं, 16 ढूंढ लेते हैं, यस चलेगा। या फिर अलग अलग तरीके, देखो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 0.5 मतलब ये, या फिर ये 15.5 भी ढूंढ सकते हो, बट डायरेक्टली 16 ढूंढना ही बेहतर रहेगा। तो 0.5 तो मैं ये 16 वाला हिस्सा ढूंढ रहा हूँ, बी का हिस्सा। 0.5 मतलब ये था मेरा, 0.5 मतलब 105 मिल चुका है, तो 16 मतलब कितना, तो 16 मतलब कितना, तो ये डिवाइड होके फिर मिलेगा आपको आंसर, तो ये मिल रहा है मुझे 3360, यस तो ये मिल गया मुझे, यस सही है 3360, ये मिल गया मुझे किसका, 16 इसका वैल्यू। तो 16 मतलब क्या है मेरे लिए, 16 मतलब है 3360, तो इसको अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी। ये टोटल कितने पार्ट की वैल्यू है, 16, मतलब ये एक्चुअली वो जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ये कितने शेयर्स की वैल्यू है, 16 शेयर की वैल्यू, कितनी थी 3360, ये अगर 16 शेयर की वैल्यू है, तो अगर आपको 100 शेयर की वैल्यू ढूंढनी है तो इंटू 100 कर दो, तो 100 शेयर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। या फिर मैं जो हमेशा तरीका बताता हूँ कि 16 मतलब क्या है आपके लिए, 3360, तो 100 मतलब क्या, एक्चुअली ये उसी का शॉर्टकट है जो मैंने अभी बताया, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 21 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर मिलेगा आपको 21,000। देखो ये मिल गया आपको बी का वैल्यू 21,000, होपफुली अभी समझ में आया होगा, ठीक है। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये तरीका आपके लिए बहुत नया है, और जितने नए तरीके होते हैं टीचर के लिए हमेशा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा हार्ड ही होता है। चलो आप मेरे सामने तो नहीं हो, बट मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इन स्टेजेस से मैं भी गुजर चुका हूँ कि बच्चों को क्या क्या डिफ़िकल्टीज आते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने ये थोड़ा गंदा करके रखा है। मैं बार बार समझा रहा था आपको कि किधर क्या करना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके वापस एक बार देखिए। मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं, नॉर्मल तरीके और ये तरीके, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत टाइम सेव होगा अगर आप अच्छे से एग्जांपल्स को करोगे तो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, ₹26,000 इज इन्वेस्टेड इन टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट 10% पर एनम फॉर 5 years इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट एट 9% पर एनम फॉर 6 years, फाइंड द सम गिवन ऑन 10% पर एनम। चलो तो इसके लिए टाइम डिसाइड करते हैं, 20 seconds काफ़ी है, हाँ मेरे ख्याल से 20 seconds काफ़ी है, चलो 25 seconds दे देता हूँ मैं, 25 seconds काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट चलो एक बार ट्राई कर लो आप 25 seconds में। यूर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, ये हो गया आपका टाइम 25 seconds का, होपफुली आपने किया होगा। अगर नहीं किया तो मैं वापस वही कहूँगा कि डरने वाली बात तो है नहीं, मैं हुई आप पे, आपके मदद के लिए ही बैठा हुआ हूँ। अगर कुछ और डिफ़िकल्टीज है, अगर मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा हार्ड हो रहा है, और डीप में एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मैं इंस्टेंटली रिएक्शंस देता हूँ, मैं आपको जवाब भी इंस्टेंटली दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए बस, ठीक है। बढ़ते आगे, ये जो उन्होंने पूछा है 26,000 दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, एक को 10% पर एनम फॉर 5 ईयर। देखो दो हिस्से जो थे वो मुझे नहीं पता, मैं एक काम करता हूँ, पहले हिस्से को एक्स मान लेता हूँ, दूसरे हिस्से को वाई मान लेता हूँ। पहला हिस्सा दिया गया था 10% पर एनम से फॉर 5 ईयर, अगर 10% से 5 साल के लिए दिया गया था तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया, टोटल परसेंटेज हो गया 50, तो इसको क्या करते हैं, इनटू 50 कर देते हैं।
तो यहाँ पे रेट ऑफ, देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल, तो ये आपको टोटल मिल रहा है। तो यहाँ पे वाई मतलब होगा सेकेंड प्रिंसिपल, जो मैंने कहा था कि 26,000 को एक्स एंड वाई में डिवाइड करेंगे, तो वो कितने साल के लिए, 9% पर एनम से 6 साल के लिए, तो ये आएगा 54। इन दोनों को कर देते इक्वल, क्योंकि ये मैंने लिखा है इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट पहले पार्ट का, ये है इंटरेस्ट दूसरे पार्ट का, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में इक्वलिटी क्यों डाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वर्ड देखा इज इक्वल्स टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे जो पहले का इंटरेस्ट है वो दूसरे के इंटरेस्ट के इक्वल होगा, ठीक है। आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट मेरी कंसेप्ट समझोगे तो थोड़ा टाइम बचेगा। फॉर्मूला लिखो, वैल्यू डालो, फिर कैलकुलेशन करो, उससे अच्छा मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन ही करता हूँ। देखो 2-3 स्टेप बीच में यू ही कैंसिल हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई बनाता है, 2 से डिवाइड करता है, तो 2 2 जा एंड 2 5 जा 2 2 जा एंड 2 7 जा, तो मुझे एक्स इज टू वाई का रेशो मिल गया। क्या है वो, 27:25, तो मुझे एक्स एंड वाई का रेशो मिल गया। उसमें से मुझे क्या करना है, फाइंड द सम गिवन ऑन 10%। 10% कौन सा सम दिया था मैंने, एक्स वाला, मतलब फर्स्ट वाला जो मैंने कंसिडर किया था वो एक्स था। तो मुझे 27 का हिस्सा ढूंढना है आउट ऑफ टोटल, ये कितना आ जाएगा, 52। ये 52 कहाँ से आया, 27+25, तो मुझे 27 का हिस्सा ढूंढना है, मतलब एक्स का हिस्सा ढूंढना है जो 10% से दिया गया था। 27 का हिस्सा ढूंढना है 52 में से, और ढूंढना किस में से, 26,000 में से, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या आता है, 26 100 जा 1000 जा एंड 26 2 जा, और ये 2 500 जा, तो इसका आंसर आएगा 13,500। ये हो गया देखो आपका आंसर। इसके लिए 25 सेकेंड्स काफ़ी नहीं थे, हाँ इसके लिए 25 सेकेंड्स ही काफ़ी थे, एक्चुअली उससे भी कम समय लगता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, जिसमें मैं अलग अलग मेथड्स आपके लिए इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे मेथड्स में लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका टाइम बचे, एफर्ट्स बचे, ठीक है। कोई नया मेथड होता है तो फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता, बट उस वीडियो को अगर आप बार 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 देखोगे, वैसे 2-4 एग्जाम्पल और सॉल्व कर लोगे, तो आपका एक बार वो दिमाग में फिट बैठ गया ना, रटने की जरूरत नहीं होती इस चीज़ को, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट कभी रटे, क्योंकि रटा हुआ बस 1 साल 2 साल या फिर कुछ महीनों के लिए ही याद रह जाता है, बट जो सीखा हुआ है ना वो आप कभी नहीं भूलते। ये आपके लिए और आपके आगे जाके फ्यूचर के लिए बहुत काम में आएगा। बहुत सारे ऐसे अलग अलग पार्ट है, अगर आप एजुकेशन कर ही रहे हो तो सिर्फ जॉब के लिए क्यों कर रहे हो, आपके नॉलेज के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करिए। मेरा हमेशा कहना रहेगा कि पढ़ रहे हो तो पढ़ाई मतलब एजुकेट होना, और एजुकेट होना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता, एजुकेट बी अ पर्सन, जो आप लगना चाहिए देख के कि ये भाई एजुकेटेड पर्सन है, आपके बात में वो दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लाएंगे, आज के लिए बस इतने ही एग्जाम्पल्स है। इससे भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिला रहा हूँ, इससे भी बहुत अच्छे तरीके मिला रहा हूँ, ये इफेक्टिव होंगे आपके लिए, बहुत फायदेमंद होंगे। तो आज के लिए बस यहीं पे रुकता है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जो करके अपग्रेडेड वीडियोज आपको मिलते रहे, आपका फायदा होता रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।